मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बूंदी की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये बहुत इजी है और इसको बनाने में 10 मिनट्स लगता है। ये हमने एक कटोरी बूंदी लिया, ये मोटा कट करके रफ चॉप करके मैंने प्याज लिया है, ये टमाटर है जो मैंने बारीक कट किया है, ये ऑयल है जो अभी मैं तड़का लगाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी इसमें। ये तड़का लगाने के लिए मैंने जीरा, एक बड़ी इलायची और ये दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लिया है। ये जो गरम मसाला हमने बनाया था घर पे, ये रेसिपी मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये हल्दी है 1 पिंच, ये टेस्ट के हिसाब से नमक, ये धनिया है हरी धनिया, ये मिर्च है। अब मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ बूंदी की सब्जी। पैन गरम होने रख दिया था मैंने, इसमें 2 चम्मच के अंदाज में ऑयल डाला मैंने। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें मैं ये जीरा और ये दालचीनी का टुकड़ा, इलायची डालूंगी। क्रैक होने तक ये क्रैकल हो चुका, अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी ये प्याज भून चुका है, इसमें मैं अभी मसाले डालूंगी। ये किचन किंग मसाला है जो मैंने इसका रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, मेरे पहले वाले चैनल में है। इसमें 2 चम्मच में पानी डालूंगी ताकि मसाला जल ना जाए। मसाला को भून जाने के बाद मैं आगे डालूंगी इसमें और टमाटर। ये बहुत ईजी है, आप इसे चावल के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये और बनाने में भी बहुत ईजी है। अब ये मसाला मेरा भून चुका है, ऑयल छोड़ रहा है, ये अच्छी खुशबू आ रही है मसाला भूनने की। इसमें मैं टमाटर डालूंगी, इसे भी मैं थोड़ा भून लूंगी। थोड़ा सॉफ्ट होने तक मटर को मैं भूनूंगी। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, काफी अच्छे से हो गई सब गई टमाटर। और इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी, टेस्ट के अनुसार मैं सॉल्ट डालूंगी। ऑलरेडी बूंदी में नमक है, इसके लिए मैंने नमक थोड़ा कम लिया है, इसे भी भून लेती हूँ। इसमें मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी, इसे बॉईल होने दूंगी। जब ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें बूंदी डालूंगी, इसे ढककर मैं 2 मिनट के लिए बॉईल होने देती हूँ।
गया है, अच्छे से बॉईल हो गया। इसमें बूंदी डालूंगी, गैस आप फुल पे रखिए, मीडियम करने की जरूरत नहीं है। ये बूंदी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ी मैं धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। ये बूंदी की सब्जी रेडी हो चुकी है, आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए कैसा लगा आपको। थैंक यू।